हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। करवा चौथ के बाद आज तीसरा दिन है। कल का दिन मैंने ऑफ ले लिया था क्योंकि बहुत दिन क्या करवा चौथ की थकान लग गई थी। तो बिना दी हमारे साथ कल रुके थे, पूरा दिन हमने बहुत मस्ती की। हमने कल पूरा दिन यानी गजब का ही चैलेंज कर दिया। कल हमने घर पे खाना कुछ नहीं बनाया था क्योंकि मम्मी पापा भी बाहर गए थे, तो हमने कल सिर्फ बाहर का स्ट्रीट फूड ही खाया है पूरा दिन, मैंने, चिकू ने, हनी ने और बिना दी ने। तो क्या उसकी वजह से सुबह सुबह मेरा पेट खराब हुआ है, सबका खराब हुआ। तो आज है 15 तारीख, आज हमारे शॉप सारी क्लोज है और आज हम जा रहे हैं चिकू दोनों जना उदयपुर। तो मैं अभी नहा के निकल चुकी हूँ, मेरा स्किन केयर करने के लिए बैठी थी, टोनर लग गया, बस अब पूरा कंप्लीट स्किन का केयर कर देती हूँ। और कितनी देर में निकलेंगे अपन? बस 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में हम निकलते हैं, तब तक मैं कंप्लीट तैयार हो जाती हूँ। आज चिकू मुझसे पहले नहा लिया पर तैयार अभी तक नहीं हुए, उनको होने में मुझसे भी ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि तेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा तैयार। अच्छा, सबको पता है फागो मत। मैं तो कंप्लीट रेडी हो चुकी हूँ, अभी चिकू गए हैं बाहर, क्या पता कहाँ पर गए हैं, जैसे ही आते हैं पैसे निकलेंगे। और यहाँ पर आप देखो भाई, मिट्टू साहब का पिंजरे का क्या हाल हुआ है, झूला तो टूट के पूरा हो चुका है। आज मैंने बड़े दिनों के बाद काजल लगाई है, आँखों में थोड़ी नींद नींद जैसा लग रहा है, वो धीरे धीरे सेट हो जाएगी। अभी हालांकि मुझे तो माइग्लेम की काजल सूट हो रही, बाकी कोई भी ब्रांड के सूट नहीं हो रही, नहीं तो आँखों में पानी आता है बहुत। यहाँ पर रूम क्लीन हो गया है, वो रहा मेरा पर्स, ले लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, हिमायरा जा रही है आज इसके मामा के घर पर, तो ये मिलने आई थी अभी, और ये बनी को मिलने आई थी क्योंकि बनी यहाँ पर यहीं पर था। तो अभी ये जा रही, तो इसको थोड़ी सी कोको खिला रहे हैं। डेयरी मिल्क कौन सी बेटा? अब जा लो बेटा, मुझे तो अच्छा ही नहीं लगेगा मायरू, आप मेरे को मिस करोगे, कितना मिस करोगे। सनग्लासेस भी आ चुके हैं। मैं आज आपको एक मस्त राज की बात बताती हूँ, किसी को बोलना मत। एक्चुअली क्या, चिकू ने लेज़र करवा दिया था तो उनके नंबर हट गए थे। उस टाइम पे चिकू ने बहुत अच्छे अच्छे सनग्लासेस और लेंस कार्ड से लिए थे, बहुत अच्छे अच्छे, जिसमें कितने तो मेरे भी फेवरेट थे, तो मुझे वो पहनने नहीं देते थे। मेरे पास फिक्स एक था शेड, और फिर उनके जितने भी शेड्स थे सारे मैंने ले लिए क्योंकि उनके वापस से नंबर आ गए। कंप्यूटर पर काम करने की वजह से वापस से नंबर आ गए, तो उनको बनवाने पड़े वापस से नंबर वाले सनग्लासेस, और जितने भी जीरो वाले, जीरो पावर वाले थे, वो सारे मेरे काम आ गए, सारे मेरे पास आ गए। हनी का मुंह आते में इसने हाथ ले लिया हुआ, बाकी कैमरे में बनी दिख रहा था, हाथ अड़ा रही थी। बनी को कहला दो, बनी को कहला दो, बनी देख रहा है, ओ बनी कहला दो, पागल दो बनी को। आवाज साहब, बनी को गले लगा लिया, फोन को गले लगा दिया था अभी। पैर हनी के, बनी के पैर दिखाओ, पैर दिखाओ बनी के, ऊपर पैर बोल रहे बनी के। मिट्टू देखो, मिट्टू, हाँ मिट्टू की बुआ देख के गई है मिट्टू। अब हम निकल रहे हैं, और यहाँ पर मैं चिकू के ले रही हूँ स्लीपर, क्योंकि इस स्लीपर को ज़्यादा टाइम हुआ ही नहीं है, 3 ही महीने हुए हैं, और यहाँ आगे से टूट चुके हैं, ये यहाँ से यूँ खींच गए, तो ये अभी हमको रिपेयर करवाना है, तो ये साथ में ले लेती हूँ। इसके लिए एक थैली लेनी पड़ेगी मुझे। गाड़ी बिल्कुल बाहर खड़ी है। चुके हैं मॉल के अंदर, उदयपुर आए और क्या ट्रैफिक में फंसे हुए थे आपने जैसे कि देखा। तो अभी हम जा रहे हैं वॉशरूम, क्योंकि वॉशरूम लग गई है। अभी हम जो स्लीपर लेके आए हैं चिकू के, वो चेंज करवाने तो क्या बताने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि 3 ही महीने हुए लिए और काफ़ी अच्छे खासे हैं, तो शोरूम ढूँढ रहे। ओह हाँ,
अभी क्या सब जगह पे चेंज हो गया है ना, इसलिए हमको भी कंफ्यूजन हो गया कौन से फ्लोर पे है, पर स्केचर्स तो वहीं का वहीं है। क्या पता आज सुबह आयनिंग कर रही थी कुर्ते की तो ये ऐसे कैसे आयन हो गया, ये ऐसे नैसे ही दे रहा है। ये चीज तुझी को गलत है ना यार, हाँ और है तो उसी कंपनी का है, भी दूसरी कंपनी का साइड से लिया है, बहुत गलत है ये चीज़ तो। चिकू का मूड पूरा ऑफ हो गया क्योंकि हम मेन स्केचर्स पे ही गए थे, वहीं कोई हेल्प नहीं मिली। अगर हेल्प नहीं करनी होती है, कंपनी तो सेम ही है, इतना महंगा जूता खरीद रहे हैं तो कुछ तो हेल्प मिलनी चाहिए। कुछ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बहुत गलत होती है कंपनीज की। तो हम आ गए फाइनली हमारे लंच करने के लिए। लंच करने के लिए आप सोच सकते हो कहाँ आए होंगे, सोच लिया और कमेंट करो। हम लंच करने के लिए आ गए हमारा ऑल टाइम फेवरेट डोमिनोज में, जो कि हम दोनों का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो अभी यहाँ पर जो हमको अच्छा लगता है वही हमने मंगवा दिया है। चिकू यहाँ पर बैठे बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। क्या ऑर्डर कर रहे हो? तो जैसे ही ऑर्डर आता है मस्त खाते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 2:39 हो चुकी हैं और धूप बहुत ज़्यादा लगी है। चिकू का मूड हो गया है ख़राब, फिर भी जो हमने स्लीपर लिए वो चेंज नहीं, स्लीपर का कुछ हुआ नहीं इसलिए। अरे एक काम करो, टीसी लेके आओ ना बेबी। दो मिनट लगे। आप ले क्या रहे हो? पहले क्या मैं ले क्या? सो फ्रेंड्स, हम निकल गए हैं मॉल से और अभी मैं, चिकू और रिया तीनों जने कार में बैठे हुए हैं और भैया भाभी कुछ काम से बाहर गए हुए हैं और थोड़ी देर के बाद हम अब निकल जाएंगे ऋषभदेव के लिए, क्योंकि हमको ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। अब देखो यही प्लान है अभी तो, अब नेक्स्ट आगे क्या प्लान सेट होता है, जैसे जो प्लान सेट होगा, कि हमारे पर प्लान एक्सट्रीम होते हैं एकदम। अभी हम आ चुके हैं बिनादी के घर पे, निकल रहे थे, निकलते निकलते अभी 7 बज गई हैं। आज मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है, सब इस आदमी की वजह से। मस्त घर पे रेस्ट करती नहीं, चल 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 सुबह शाम ट्रैफिक ही देख रही बस। हम आ चुके हैं फाइनली घर पर और आज का दिन पूरा रहा बहुत ज्यादा ट्रैफिक भरा, यानी आते समय तो हमको ट्रैफिक इतना नहीं मिला, हमको शॉर्टकट मिल गया था तो शॉर्टकट से होते हुए हम आ गए। यानी इतनी देर तो लगी भी नहीं, नॉर्मली जो आने जाने में टाइम लगता है वही लगा। और घर पे आके थकान लग रही है क्योंकि पूरा दिन कुछ इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाए, यानी ऑल ओवर ठीक था डे, इतना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा, पर मुझे मेरी पसंद का खाना नहीं खाने मिला क्योंकि मैं खाने ही गई थी वाली बात हो गई थी, क्योंकि मेरा जो भी काम लेके गई थी वो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये अभी अनबॉक्स करने के लिए कुछ लाए हैं, देखती हूँ अभी इसमें क्या है। तुम्हारे काम की चीज़ें हैं, मेरे को क्या लग रहा है बताओ? इसके काम की चीजें होगी। ये हमारी अनबॉक्सिंग है। हाइजर अनबॉक्सिंग। व्हाट इज दिस? कार्ड रीडर। क्यों था? इतने तो है। मेमोरी दूसरी है ना, उसका नहीं है। ये चार्जर। ये मम्मी के फोन का चार्जर आ गया। और ये मेरी घड़ी का बेल्ट आ गया। एक और बेल्ट। वाओ। फिर के प्रोटेक्शन। अच्छा फोन के डस्ट जाती है ना? ओ हाँ, आपने एक दिन वीडियो देख रहे थे तो मंगा लिया। ओ डस्ट जा, मेरे को सही चीज लगी। अब ट्राई करते हैं क्या है क्या नहीं। तो क्या जालियां है? क्या है जाली? है बहुत ज्यादा बारीक है ना, बारीक बारीक। ये इधर माइक की हो गई, इधर फोन की। अच्छा, मैं तो मेरे घड़ी के बेल्ट्स ट्राई करने के लिए सो एक्साइटेड। देखिए चार्जिंग तो ये वाला वाइट वाला, ये मुझे लूज आएगा ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, देख लो अब क्या होता है। ये पे पहन के देखो, कोई नहीं रिटर्न कर रहा नहीं है, नहीं काम का। ये ऐसे लूज रहेगा ना रिटर्न, और अच्छा भी नहीं लग रहा है दिखने में। ये स्क्रंची दिख रहा है हाथों में।
रहा है। सही लग रहा है? पर मुझे तो बेल्ट यही अच्छा लग रहा है। नहीं जो ओरिजिनल है वो आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ बेल्ट्स। टाइट कर सकते हैं इसको और मेरे को नहीं अच्छा लगा। अब भीग जाएगा तो फिर इस ये कपड़ा भीगेगा तो उसकी वजह से नीचे पानी जाता रहेगा। पानी जाएगा वही रामायण, वही रामायण जो मेरे पहले वाली घड़ियों में थी। मम्मी के रोज पावर बैंक से फोन चार्ज होता है तो वह फाइनली चार्जर आ गया। ठीक है, चार्जर क्यों नहीं देते यार फोनों में? ये चीज़ गलत हो गई है बड़ी। पैसे कम किए हैं क्या? चीज़ को चार्जर नहीं देते ये मम्मी के फोन क्या मंगवाए क्या? नहीं मेरे ये आईफोन का ही मंगवाए इसमें आया। अच्छा लग रहा है फोन का कवर अभी लगाया, मस्त लग रहा है, हैंडसम दिख रहा है मेरा फोन। कैसन बा बताइए, ठीक है बा? अभी मेरे इस फोन मैं सोच ही रही थी ये मेरा कवर पीछे से इतना गंदा क्यों है, फिर चिकू ने मुझे बताया कि इसके पीछे मैंने लेमिनेशन करके रख दिया तो अभी उचकाई तो पूरी पीली हो गई है यार। पर मेरा काम ही ऐसा है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं फ़ोन ज़्यादा नीट एंड क्लीन रख ही नहीं सकती क्योंकि आपको जैसे कि पता है मैं मेरे प्रोफेशन से ब्यूटिशियन हूँ और सैलून पे इतना काम रहता है। हालांकि काम तो पूरा मेरे मुझे जो भी असिस्ट करते हैं और जो भी मेरे पास सीख रहे हैं वो करते हैं, पर अब कुछ काम ऐसा होता है ना मुझे तुरंत उनके हाथों से लेना पड़ता है और फ़ोन्स भी इतने सारे होते हैं कि मुझे अटेंड करने ही होते हैं, कितनी बार तो गंदे के गंदे हाथों से भी उठाना पड़ जाता है। इसलिए फ़ोन के लिए मेरे ये ऐसे ही कवर सही है। ये किसके? रैप्टिक के कवर्स अच्छे हैं। ज़्यादा लुकिंग नहीं देखती हूँ मैं, फ़ोन की सेफ्टीज़ देखती हूँ क्योंकि कब बहुत बार मेरे हाथों से फ़ोन ऐसे स्लिप हो जाते हैं, तो ये स्लिप हो जाते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है सच्ची में, अच्छा कवर है। इसलिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ कोई हूँ सोच रहा है कि फ़ोन की मस्त प्रोटेक्शन वाला कवर चाहिए जिनके बच्चे फ़ोन दमादम फोड़ते हैं। थोड़ा सा एक बार महंगा है पर आपका फ़ोन का मस्त यानी एक सेफ्टी गार्ड हो जाएगा, परमानेंट इलाज है, परमानेंट एक ही बार लेना है, एक ही बार लेना है। और भी आपको चाहिए कि मेरा कवर कभी पुराना नहीं हो मेरे पति की तरह आप इतनी सी जगह में लेमिनेशन करवा दो तो ये गंदा होता रहेगा, उछल उछक के दूसरे लगते रहेंगे। अब इसको मस्त एक बार नीट एंड क्लीन कर देते हैं और अब मैं व्लॉग भी एंड कर देती हूँ। दोनों के ऊपर अभी लेमिनेशन हो जाएगा। आज का व्लॉग आपको देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना। पर आज हम इतना बहुत ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाए जिस टाइप से हम हमेशा करते हैं उदयपुर जाते, क्योंकि ट्रैफिक बहुत था कि सैटरडे था और दिवाली भी आ रही है तो हर जगह पे बहुत ज़्यादा शॉपिंग शॉपिंग के लिए लोग इकट्ठे थे। हमारी कुछ शॉपिंग हुई नहीं, अब दिवाली की थोड़ी सी जो भी शॉपिंग होगी उसका भी ब्लॉग बनेगा तो ब्लॉग्स में आप बने रहिए। अब यहीं पर मैं आपसे अलविदा ले लेती हूँ। आज का ब्लॉग आपको अच्छा लग ही गया होगा तो शेयर लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।